मॉर्निंग टू एवरीवन। आज बेटा मैं इंग्लिश के सेकंड चैप्टर के लिटिल बॉय को रीड करेंगे। इसके बेटा न्यू वर्ड्स देखो। पहले न्यू वर्ड्स कैकलिंग। कैकलिंग मीन्स मुर्गी या पक्षियों के बोलने की आवाज़। लॉइंग। लॉइंग मीन्स गाय का रंभाना या गाय के बोलने की आवाज़। ब्लीटिंग। ब्लीटिंग मीन्स भेड़ का निम्याना या भेड़ की आवाज़। फ्लीसी। फ्लीसी मीन्स नरम कपड़ा। अब बेटा डिड यू नो। द पोएम इज रिटन बाय लूरा एलिजाबेथ रिचर्ड्स। यह पोएम यह कविता लूरा एलिजाबेथ हॉ रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई है। शी वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड हैज़ रिटन मोर देन 90 बुक्स। वह एक अमेरिकन लेखिका थी और 90 से भी ज़्यादा उन्होंने बुक्स लिखी हैं। हर होम इज़ इन गार्डिनर मेन। द लूरा रिचर्ड हाउस इज़ लिस्टेड ऑन द नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। उसका घर लूरा रिचर्ड्स हाउस जो कि गार्डिनर मेन में है और एक हिस्टोरिकल प्लेस के लिए नेशनल रजिस्टर में लिस्टेड है। इन 1917 लूरा वॉन अ पल्टिजर प्राइज फॉर जूलिया वार्ड हो अ बायोग्राफी ऑन हर मदर। 1917 में उसे अपनी माँ की जीवनी जूलिया वार्ड हो के लिए पल्टिजर प्राइज भी मिला। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एज दे गिव्स अस मैनी यूजफुल थिंग्स। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए क्योंकि वे हमें बहुत सारी लाभदायक चीज़ें देते हैं। मदर द हन इज कैकलिंग। व्हाट इज शी ट्राइंग टू से। शी सेज क्लक क्लक। आई हम्बली बेग to tell you all I have laid an egg for little boy today। एक छोटा सा बच्चा इस पॉइंट में अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ मुर्गी जो ये आवाज़ निकाल रही है क्या कह रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है। शी सेज वह कहती है यानी कि मुर्गी कहती है क्लक क्लक आई हम्बली बेग टू टेल यू। वो कहती है कि मैं तुमसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज मैंने इस बच्चे के लिए एक अंडा तुम्हें बता रही हूँ कि आज एक इस बच्चे के लिए एक छोटा एक अंडा दिया है। ओहो ओहो इज इट सो। तो लड़का हैरान होकर पूछता अच्छा ओहो अरे ऐसी बात है। ट्रूली नो आई डिड नॉट नो। अरे वह सच में अब तक मैं इसको नहीं जानता था। बट इन रिटर्न व्हाट शैल आई गिव। तो पूछता है उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, इसके बदले मुझे क्या देना चाहिए तुम्हें। बी काइंड टू ऑल दैट लिव। तो मुर्गी कहती है कि जो सभी जीवित प्राणी हैं उनके प्रति दयालु बनो। मदर काउ इज लॉइंग। व्हाट इज शी ट्राइंग टू से। मिल्क एंड क्रीम एंड बटर एंड चीज गुड पीपल आई हैव ब्रॉट यू दीज फॉर लिटिल बॉय टुडे। अब लड़का पूछता है माँ यह गाय क्यों डंभा रही है, यह क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो गाय कहती है दूध क्रीम मक्खन और पनीर यह सब अच्छे लोगों के लिए मैं लाती हूँ पर आज मैं इस छोटे बच्चे के लिए लाई हूँ। तो पूछता है ओहो ओहो इज इट सो कि क्या यह ऐसी बात है। ट्रूली नाउ आई डिड नॉट नो। मैं अब तक इस सच्चाई को नहीं जानता था। बट इन रिटर्न व्हाट शैल आई गो गिव। परंतु इसके बदले में मुझे क्या देना होगा। तो गाय कहती है बी काइंड टू ऑल दैट लिव। जो भी जीवित प्राणी हैं उन सब के प्रति दयालु रहो, दयालु बनो। थर्ड स्टैंजा में बेटा उसे एक शीप मिलती है। तो शीप के लिए अपनी माँ से पूछ रहा है वो मदर द शीप इज ब्लीटिंग। व्हाट इज शी ट्राइंग टू से। माँ यह जो भेड़ है यह मिमिया रही है, यह क्या कहने की कोशिश कर रही है।
शी सेज़ आई गिव यू फ्लीसी वूल टू मेक वार्म क्लॉथ्स फॉर प्ले एंड स्कूल फॉर लिटिल बॉय टुडे। वो कहती हैं आज मैं छोटे लड़के के लिए नरम ऊन लाई हूँ ताकि वह अपने खेलने और स्कूल के लिए गर्म कपड़े बना सके। तो बच्चा कहता है ओह ओहो इज़ इट सो, तो क्या अरे ऐसी बात है। ट्रूली नो नाउ डिड आई डिड नॉट नो, अरे वास्तव में मैं तो अब तक जानता भी नहीं था ये सब। बट इन रिटर्न व्हाट शैल आई गिव, परंतु इसके बदले में मैं क्या दूँ, क्या देना चाहिए मुझे, तुम्हें क्या देना होगा। बी काइंड टू ऑल दैट लिव। तो भेड़ भी यही कहती है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहो, दयालु बनो, दयालु बनो। आई होप यू विल गेट दिस पोएम। अब बेटा इस पोएम को रीड भी करोगे और न्यू वर्ड्स लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।